उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में मेला की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पीएसी के जवान की बड़ी लापरवाही सामने आई। जवान की कार्यवाही अचानक जमीन पर गिर जाने से गोली चल गई और मेला देखने आए एक 6 वर्षीय बच्चे को जा लगी। गंभीर रूप से घायल बच्चे को उपचार के लिए आगरा भेजा गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी होते ही प्रभारी निरीक्षक गोविंद वल्लभ शर्मा, एएसपी एसपी सौरभ दीक्षित सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बच्चे की हालत को देखते हुए सिरपुरा पीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद आगरा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। 23 मार्च की शाम को जनपद कासगंज के थाना सिरपुरा में अमापुर रोड पे एक नुमाइश लगी हुई थी। वहाँ सुरक्षा के दृष्टिगत जो है स्थानीय पुलिस और पीएचसी की भी एक टुकड़ी को भेजा गया था। इसी नुमाइश में 45 वाहिनी पीएसी जनपद अलीगढ़ के मुख्य आरक्षी सुरेंद्र, जो कि अपनी 9mm कार्बाइन मशीन गन के साथ ड्यूटी कर रहे थे, उनके कंधे से स्लिंग छूट जाने के कारण से ये कार्बाइन जो है वो ज़मीन पे गिर गई और उससे एक एक्सीडेंटल फायर हो गया। इस एक्सीडेंटल फायर में एक 6 वर्षीय बालक जो कि तुषार, जिसका नाम है, जो पहरवी गांव थाना सिरपुरा का रहने वाला है, अपने घर वालों के साथ ये मेले को देखने के लिए आया हुआ था, उसके पीठ में गोली प्रवेश कर गई। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस और सभी उच्चाधिकारी मौके पर हमारे पहुंचे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।